भागलपुर के तिलका मांझी थाना में अनोखी शादी देखने को मिली। लोदीपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला प्रभाकर कुमार और तिलका मांझी थाना क्षेत्र के विक्रमशिला कॉलोनी की रहने वाली काजल की शादी घर वालों की रजामंदी से ठीक तो हुई थी, लेकिन लगातार लड़के वालों की तरफ से शादी की तिथि आगे बढ़ाई जा रही थी, जिसको लेकर लड़की पक्ष के लोग महीनों से परेशान थे और लगातार लड़के के घर पर जाकर मान मनोबल कर रहे थे कि जल्द से जल्द दोनों की शादी कर दी जाए, लेकिन लड़का पक्ष के लोग मानने को तैयार नहीं थे और लगातार शादी की तिथि बढ़ाते जा रहे थे, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने तिलका मांझी थाने में अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को आज थाने पर बुलाया और थाने में ही पंचायती की गई, जिसके बाद दोनों की शादी थाना परिसर में ही पुलिस के समक्ष करा दी गई। शादी के दौरान सभी रस्मों को पंडित के समक्ष पूरा किया गया। वहीं पुलिस बालों ने ही शादी में लगने वाले सामानों को बाजार से मंगाकर शादी की रस्म पूरी कराई। शादी के बाद लड़की और लड़का दोनों खुश नजर आए। शादी के बाद पुलिस बालों ने दोनों को आशीर्वाद दिया और घर भेज दिया। क्या नाम हुआ आपका? काजल कुमार। थाना पर शादी हुई, कैसा महसूस कर रही है? क्योंकि इसका इसके पिताजी डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं। किन के? आपके पति के? कितने दिनों से? 6 महीना, 1 साल के लमसम। डेट फाइनल हो गया, फिर भी डेट पे डेट बढ़ा रहे थे। आपके पति का क्या नाम है? प्रभाकर कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? लोदीपुर तवल। क्या पति आपके तैयार थे? हाँ तैयार थे, वो बोल रहे थे चलो हम करते हैं। अच्छा। दो दिन के बाद क्या हुआ, वो बोले कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा, यानी कि इनके माता पिता की रजामंदी नहीं थी? नहीं। अच्छा, फिर तैयार क्या हीरो? अभी सब कुछ सामान्य है ना? हो गया के लिए खुश हो ना? क्या देखो कैसे कर रहे, मतलब खुश नहीं हो क्या? आपके माता पिता तैयार नहीं थे, अभी क्या सब कुछ सामान्य रहेगा ना घर पर? सामान्य ही, अभी क्या लग रहा है? नहीं नहीं, थाने में आकर के, थाने में आकर के विवाह किए। अभी जो है अभी थाना पे मान गया। शादी को लेकर के जो बहुत मने इन लोगों में झगड़ा झंझट हो रहा था, दोनों की सहमति बनाई गई और सहमति के बाद दोनों पक्ष के गार्जियन लोग जो है सब सहमति जताए, उसके बाद शादी जताई। दोनों बालिग थे? हाँ दोनों बालिग। अंतरजाति की बात तो नहीं? ना ना, अंतरजाति नहीं, दोनों एक ही जाति। तो दोनों पक्ष के लोग इसमें खुश हैं, लड़की के माता पिता है, लड़का के माता पिता है, कहीं कोई राजामंदी है या फिर कोई नाराजगी भी है? नहीं नाराजगी रहती तो शादी नहीं होता, दोनों आदमी की सहमति से शादी हुई है। कहाँ के हैं ये लोग? एक आदमी लड़की पक्ष के लोग जो हैं वो विक्रमशिला कॉलोनी तिलका मांझी के हैं, जो मेरे थाना अंतर्गत पड़ता है, और लड़का वाले जो हैं वो लोदीपुर थाना अंतर्गत सबलपुर के हैं। दोनों आदमी थाना पर उपस्थित होकर सहमति जताए और सहमति उपरांत जो है सो दोनों पक्षों के रजामंदी से शादी करेंगे। कैसे फील कर रहे थे आप? हम तो बहुत अच्छा महसूस किए हैं। थाना ही बाराती, मीडिया ही बाराती बने हुए। अभी दोनों पक्ष की ओर से म्यूचुअल कंसेंट है शादी को लेकर के, यानी किसी तरह का कोई माने विवाद नहीं है दोनों पक्षों में। दोनों पक्ष बहुत खुशी से हैं,